हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और आप देख रहे हैं लर्न कोड विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल। अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर हो या एंड्रॉयड डेवलपर बनने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। जैसा कि हम जानते हैं, एंड्रॉयड ऐप बहुत ही सारी टेक्नोलॉजीज़ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हेल्प से बनते हैं, जैसे जावा, कोटलिन, रिएक्ट नेटिव और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसकी हेल्प से हम एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ जावा और कोटलिन के बारे में कि आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन को बनाने के लिए जावा यूज़ करें या कोटलिन यूज़ करें। यहाँ पर हम लोग जावा को और कोटलिन को एक दूसरे से कंपेयर नहीं करने जा रहे हैं और ना ही हम इस वीडियो में जावा और कोटलिन को सीखने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ट नहीं होती, ना ही जावा, ना ही पाइथन और ना ही कोटलिन। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी ना किसी डोमेन में बेस्ट होती है। दैट मीन्स आप एक चीज़ के लिए बेस्ट हो सकते हैं, हर एक चीज़ के लिए बेस्ट नहीं हो सकते हैं। यही चीज़ हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं और हम लॉजिकली कुछ चीज़ें बताने वाले हैं कि आप जावा को चूज़ करो या फिर कोटलिन को चूज़ करो। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जावा बहुत दिन से एंड्रॉयड की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसका मतलब होता है कि हम लोग जावा को एज अ प्राइमरी लैंग्वेज बहुत दिन से यूज़ कर रहे थे एंड्रॉयड ऐप्स को डेवलप करने के लिए, और बहुत सारे एन नंबर ऑफ ऐप्स प्ले स्टोर पर जावा को यूज़ करके बने थे और अभी भी बहुत सारे ऐप्स बन रहे हैं और बहुत सारे डेवलपर्स डे बाय डे ऐप्स को जावा को यूज़ करके डेवलप कर रहे हैं। बट कुछ कारणों की वजह से गूगल ने कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 2017 में एंड्रॉयड ऐप्स को बनाने के लिए एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया दैट मीन्स गूगल ने ये कह दिया कि अब यहाँ पे एक जावा सिर्फ एंड्रॉयड की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पे दो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, जावा और साथ ही साथ कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कुछ कारणों की वजह से। और 2017 के बाद धीरे धीरे कोटलिन मार्केट में आने लगी एंड्रॉयड ऐप्स को डेवलप करने के लिए। बहुत सारी कंपनियां जावा से मूव करने लगी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ, क्योंकि कुछ मायनों में कोटलिन जावा से बेहतर भी है। दैट मीन्स कुछ चीज़ों में एडवांटेज है कोटलिन अगर आप यूज़ करोगे। दैट मीन्स कुछ मायनों में कोटलिन जावा से बेहतर भी है। जैसे कोटलिन जावा इज़ अ बर्बोस लैंग्वेज, दैट मीन्स जावा एक बर्बोस लैंग्वेज है। जावा में आपको बहुत एन नंबर ऑफ लाइंस लिखनी पड़ती है कोई काम करने के लिए, दैट मीन्स कोडिंग आपको ज़्यादा करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू कोटलिन। जावा में बहुत सारे आपको वॉयलर प्लेट्स कोड लिखने पड़ेंगे। कोटलिन आपको नल पॉइंटर सेफ्टी का मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगी, इंटरपोर्टेबिलिटी भी कर सकते हैं कोटलिन में। ऐसे तमाम चीज़ें कोटलिन प्रोवाइड करती है एज अ एडवांटेज ओवर जावा। दैट मीन्स अगर आप कोटलिन यूज़ करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको फ़ायदा होगा एज कम्पेयर टू जावा। आपको कम कोडिंग करनी पड़ेगी, ऐप्स जल्दी रेडी हो जाएगा, इवन बहुत सारे आप लैंग्वेज स्पेसिफिक भी देखोगे, दैट मीन्स लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से भी देखोगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप सीखते हो उस केस में। बट अब हम बताते हैं आपको कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको एक्चुअली में सीखनी चाहिए, कोटलिन या जावा एंड्रॉयड ऐप्स को डेवलप करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डिपेंड करता है आप पे। अगर आप स्टूडेंट हो, आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, और अगर आप इंटरेस्ट रखते हो एंड्रॉयड ऐप्स को डेवलप करने में या आप एंड्रॉयड डेवलपर बनना चाहते हो फ्यूचर में, तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप जावा चूज़ करो। क्योंकि जावा अगर आप चूज़ करोगे तो आपके पास एन नंबर ऑप्शंस होते हैं। जावा के हेल्प से आप डेस्कटॉप लेवल एप्लीकेशन भी बनाना सीखोगे, जावा के हेल्प से आप वेब एप्लीकेशंस भी बनाना सीखोगे, सर्वलेट JSP भी सीखोगे, जावा के हेल्प से आप बड़े बड़े एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस भी बनाना भी सीखोगे, जावा के हेल्प से आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी कर सकते हो। जावा एन नंबर ऑफ कंपनियों में पूछी जाती है, जावा इंटरव्यूज़ में आपसे पूछी जाएगी। बेसिक लेवल पे जावा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप जावा सीखोगे तो ऊप्स के कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे। दैट मीन्स आपके पास एन नंबर ऑफ ऑप्शंस रहेंगे अगर आप जावा सीखते हो। अगर आप कोटलिन सीखते हो, दैट मीन्स सबसे पहले चीज़ तो कोटलिन अभी नई है मार्केट में,
नहीं, इन द सेंस अभी कुछ ही दिन हुए एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज भी. जावा कोटलिन के पास बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, बट अभी दैट मीन्स अभी नई नई मार्केट में है. और इवन जावा को ऑलमोस्ट 25 ईयर्स मार्केट में स्टेबिलिटी, जावा की एक स्टेबिलिटी है. तो ये सारी चीज़ें हैं. अगर आप जावा चूज़ करते हो उस केस में आपके पास एन नंबर ऑफ ऑप्शंस रहते हैं अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यूज़ को छोड़ दिया जाए उस केस में. और साथ ही साथ में आप इतने सारे स्ट्रीम्स हैं, कहीं भी जा सकते हो. बट कोटलिन एज अ एंड्रॉयड डेवलपमेंट. बट अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, उस केस की मैं बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स सपोज आई एम अ प्रोफेशनल डेवलपर, मैं जावा को यूज़ करके एंड्रॉयड डेवलपर हूँ, या मुझे कोई बिजनेस करना है, या मुझे कोई ऐप बहुत जल्दी से बनाना है, या मुझे ऑलरेडी जावा आती है, तो मैं क्या चूज़ करूँगा, कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करूँगा. दैट मीन्स आई एम अ एक्सपीरियंस पर्सन, मैं एक्सपीरियंस पर्सन हूँ और मुझे कुछ एक्सपीरियंस है पहले की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. दैट मीन्स जावा मुझे आती है, एंड्रॉयड के बारे में मुझे पता है. तो आपको कोटलिन की एडवांटेजेस भी पता चलेंगी, क्या फ़ायदा है, और उसको जल्दी से आप सीख भी जाओगे. कुछ एडवांटेजेस, जैसे मैंने बात किया था कि कोटलिन बहुत ही आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो फ्रेंड्स, अगर हम बात कर रहे हैं कोटलिन बहुत ही आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वो हम विद रिस्पेक्ट टू जावा ही बात कर रहे हैं. दैट मीन्स कोटलिन तभी आसान होगी जब आपको जावा आती है. अगर आपको जावा नहीं आती है तो कोटलिन आपके लिए डिफ़िकल्ट होने वाली है. दैट मीन्स आप पहले जावा सीखें, उसके बाद कोटलिन सीखें, तभी आपको कोटलिन आसान लगने वाली है. अदरवाइज़ डिफ़िकल्ट होगी कोटलिन सीखोगे तो. अब जैसे आपने कहा कि नल पॉइंटर सेफ्टी प्रोवाइड करती है कोटलिन, बट अभी मुझे जिसको जावा नहीं आ रही होगी वो समझ ही नहीं पाएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्या है, तो फिर सेफ्टी कैसे प्रोवाइड करेगी. दैट मीन्स नल पॉइंटर वर्ड को समझने के लिए सबसे पहले आपको जावा सीखना पड़ेगा. इंटरपोर्टेबिलिटी विद जावा, दैट मीन्स आप जब आप जावा सीख लोगे तभी आपको कोटलिन आसान लगी. सीधा सीधा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप जावा नहीं सीखे हो तो कोटलिन आपको डिफ़िकल्ट ही लगने वाली है. इसका मतलब है कि आप सबसे पहले जावा सीखें, देन आप क्या कर सकते हो, कोटलिन सीख सकते हो. बट फिर भी मैं कह रहा हूँ, कौन सारे लोग आप जावा सीखो, अगर आप बिगिनर हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, और अगर आप एंड्रॉयड स्टार्ट करने वाले हो, देन यू गो फॉर जावा. अगर आप एक प्रोफेशनल एंड्रॉयड डेवलपर पहले से हो जावा को यूज़ करके, तो आप यूज़ कर कोटलिन सीख सकते हो, या आप एक्सपीरियंस हो कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, आपको एक्सपीरियंस है तो आप कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो, या आपको ऐप्स बहुत जल्दी बनाने हैं, आपको कुछ एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, तो आप कोटलिन सीख सकते हो. तो होपफुली मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ समझ में आ गया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.